सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जा लाइफस्टाइल के आज के न्यूज़लेटर के लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोग अभी अपने जा लाइफस्टाइल में आईडी को ओपन करोगे तो वहां पे ईहा के टेक टीम से आपको एक न्यूज़लेटर रिसीव हुआ होगा। ये न्यूज़लेटर पे बेसिकली लिखा हुआ है कि ईहा वेबसाइट पे आज अपडेशन चलने वाला है, तो क्या क्या अपडेशन होने वाला है, साथ ही साथ कितना टाइम तक ये फिर से सही हो जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें बिल्कुल एंड तक देखिए। चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑल राइट, तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ईहा में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से डेमो एड्स का टाइम पीरियड को बढ़ाया गया है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी बेसिकली है, सबसे पहला और सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है वो है वेरिफिकेशन पेज का। काफ़ी सारे लोग आप में से जा लाइफस्टाइल में ऑलरेडी KYC कर रखे हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर भी वेरिफिकेशन पेज ओपन होकर आ जाता है और वहाँ पे KYC करना या फिर स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है। तो ये पेज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी KYC कर रखे, क्योंकि वो दोबारा पे नहीं करेंगे। तो ये वेरिफिकेशन पेज का दोबारा यहाँ पर भी शो होना एक बहुत ही बड़ा ग्लिच या इरोड है जिसके ऊपर कंपनी वर्क कर रहे हैं एंड इसको जो है डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमम लोगों को 60 एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट दिखाया नहीं जा रहा है, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 20 ऐसे ही डेमो एड्स दिखाया जा रहा है। तो इसको कंपनी फिक्स करेंगे इसी अपडेट पर। साथ ही साथ यहाँ पे हमें पहले सुनने को मिला है कि वीडियो एड दिखाए जाएंगे। अभी अगर आप लोग डेमो एड्स देखते हो तो यहाँ पे सिंपली इमेज फॉर्मेट में एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं और इमेज फॉर्मेट से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है वीडियो एड हर एक एडवर्टाइजर्स के लिए। तो हो सकता है एडवर्टाइजिंग टाइप में भी अपडेशन लाया जाए। जो भी होगा यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़लेटर या फिर अपडेशन ख़त्म होते ही हम लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में ईहा के साथ, और ये प्रॉब्लम में से एक और बड़े प्रॉब्लम है जो कि है लॉगिन प्रॉब्लम। काफ़ी सारे लोगों का बिल्कुल सही डिटेल जानने के बाद भी लॉगिन नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम को भी इसी अपडेट के अंदर वो डेफिनेटली ख़त्म करने वाले हैं। ऑल राइट, तो गाइज ओवरऑल ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ईहा के साथ हो रहे हैं, और इसके अलावा भी कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो रहे हो तो वो कंपनी जो जल्द से जल्द उसको फिक्स कर लेंगे, और मैं आशा करता हूँ इसी अपडेट के अंदर ये सारे प्रॉब्लम सही हो जाएंगे। और गाइज एक बात और अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाओ, जब तक यहाँ पे साइट अपडेशन पे है तब तक हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिले, जैसे लॉग इन लॉग आउट में प्रॉब्लम हो या फिर आपको डेमो एड्स देखने में प्रॉब्लम हो, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। एक दो दिन के अंदर ही जो है साइट में सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ के वेबसाइट स्मूथली वर्क करने लगेंगे। ऑल राइट, तो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस किस चीज़ के लिए अपडेशन किया जा रहा है और ये कब तक सही हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगता है एक लाइक जरूर कर दिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।